देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। भिवंडी से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर भिवंडी के बंजारपट्टी नाके की, जहां आज बारादरी होटल को महानगर पालिका द्वारा सील कर दिया गया। सील करने का कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख स्वतः बारादरी होटल पर कोरोना नियमों का पालन, कोरोना के लसीकरण को लिया गया है या नहीं, इसकी पूरी जांच करने के लिए पहुंचे थे। और मनपा आयुक्त ने आपको बता दें कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले बारादरी होटल में एक वर्कर जो कैशियर में था, जो कैशियर था, जो पैसे की लेन देन करता था, उस व्यक्ति ने कोरोना के लसीकरण को नहीं लगाया था, जिसके बाद मनपा आयुक्त ने तुरंत बारादरी होटल को सील करने का आदेश दे दिया। जहां आप देख सकते हैं कि मनपा कर्मचारी बारादरी होटल को ताला लगाते हुए भी दिखाई दिए। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख के साथ में महानगर पालिका के जो उपायुक्त हैं दीपक झिंझाट, उनके साथ में प्रभाग समिति एक के जो सहायक आयुक्त हैं दिलीप खाने, प्रभाग समिति दो के जो सहायक आयुक्त हैं वहाँ पर फैसल तातली और मनपा के कई कर्मचारी भी उपस्थित थे। हमारे चैनल की टीम से बातचीत के दरमियान विशेष तौर पर मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने क्या कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि सरकार का दिए गए कोरोना नियमों का पालन करें, ताकि हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखा जाए मुख्यालय के अध्यक्ष स्वतः आज जो है होटलों पर जाकर वैक्सीन का जो टीकाकरण दिया जा रहा है उसको चेकिंग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, भिवंडी शहर में जिस तरह से आपने आज दौरा किया होगा, क्या लगता है क्या होटल वाले जो टीकाकरण लिए हैं किसी व्यक्ति का? सिर्फ होटलों पे नहीं जा रहे, होटल दुकान सब जगह पे हम लोग चेक कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर अचानक जा रहे हैं, इसमें पहले हमने रिलायंस डिजिटल को चेक किया, रिलायंस का दूसरा शॉप भी चेक किया, उसके बाजू में जो झुड़ियों जो वो भी चेक किया। अभी बारादरी होटल में हम आए हैं। आज से कोरोना के लिए नई गाइडलाइन जारी हो गई है। एक्चुअल में भिवंडी में वैक्सीनेशन कम है और कोविड की जो तीसरी वेव है इसमें ऐसा सामने आया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको ज़्यादा ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। और आज मुंबई में जितने लोग एडमिट है उसमें से 90% लोग जो है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया। तो ये जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है, होटल है, दुकान है, बड़े बड़े दुकान, पावर लूम है, यहाँ पे जो काम स्टाफ काम कर रहा है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, उन्होंने दोनों मात्रा ली हुई चाहिए। तो वैसा चेक करने के लिए हमारा स्टाफ इधर उधर घूम रहा है। इसमें जो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल का पालन ना करता हुआ नज़र आएगा उसके ऊपर कड़ी एक्शन ली जाएगी। कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें भी कोरोना दोबारा संक्रमित अपने चपेट में ले रहा है, क्या इसके पीछे क्या बताइए? यही तो चीज़ भिवंडी में सब लोग व्हाट्सएप पे घुमाते हैं। एक्चुअली मैंने पहले ही बता दिया है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जा रहे हैं। और जो 100 लोग एडमिट होते हैं उसमें 96% लोग जो है उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, यानी वैक्सीन लेने के बाद कोरोना हो सकता है लेकिन वो माइल्ड रहता है, उसमें जान जाने की खतरा नहीं रहते। लेकिन कैसा है कि भिवंडी में हम लोगों ने इतना प्रयास किया, मस्जिद में बताया, मस्जिद में अनाउंसमेंट हो गई, मस्जिद के मौलाना ने बहुत सारा अच्छा सहकार किया, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कुछ मस्जिदों ने तो खुद वैक्सीनेशन कैंप लगवाए और मदरसे में भी कैंप्स लगे और बहुत सारे लोक प्रतिनिधि जो है उन्होंने भी बताया। लेकिन हम लोग सबसे बड़ा हमारा व्हाट्सएप हो गया है, खुद हमारे धर्म से भी बड़ा हमारा व्हाट्सएप हो गया है, ऐसा हो रहा है। और भिवंडी में ये देश के कंपैरिजन में और राज्य के कंपैरिजन में वैक्सीनेशन जो परसेंटेज जो है वो कम है। आज की तारीख में भिवंडी में पहला डोज लेने वाले की जो परसेंटेज जो है 71% है और दोनों मात्रा लेने वालों की परसेंटेज जो है 41% है, यानी आज भी वैक्सीनेशन बहुत होना जरूरी है, नहीं तो ये तीसरी वेव में बहुत ज़्यादा खतरनाक भिवंडी में जानलेवा हो सकता है। इसके लिए कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पूरे एफर्ट लेके प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले लें। मनपा की क्या तैयारी कोविड को लेकर, जिस तरह से खुदा बस हॉल मात्र है और उसमें क्या तैयारी की गई, और जिस तरह से ओमिक्रॉन का जो खतरा है बच्चों को ज़्यादातर देखने को मिला है, बच्चे को लेकर क्या सुविधा की गई? जो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसके मुताबिक हर तैयारी कॉरपोरेशन ने करके रखी है।
बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कोरोना की तीसरी वेव नहीं आएगी, लेकिन वो आ रही है। और हमारे जुलाई से दिसंबर तक हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक पेशेंट आ गए हैं, लेकिन अभी हर रोज़ 100, 150, 200 तक पेशेंट भिवंडी शहर में आ रहे हैं। मेरी सब लोगों को गुजारिश है कि आप मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, यही आपको बचा सकता है। और वैक्सीनेशन परसेंटेज हमारा कम है, वैक्सीनेशन सब लोग ले लेवे और आपका जान का खतरे से बचिए। तो आपने देखा, ये थे मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख, जिन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर कोरोना नियमों का पालन करें इस तरह का संदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात का ये भी खुलासा किया कि आज देश में जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ज़्यादातर ये वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। ऐसे में भिवंडी शहर की भी इन्होंने बात की कि भिवंडी शहर में भी अभी भी वैक्सीन की टीका जो है काफ़ी हद तक लोगों ने कम लगवाया है, जिसको लेकर मनपा आयुक्त, महानगर पालिका के टीम, आरोग्य विभाग सभी ने अपनी कमर कसी हुई है और टीकाकरण जो है लोगों को लगाने के लिए ये अपील भी करते हुए दिखाई दे रही है। ये पूरी तस्वीर भिवंडी के बारादरी होटल की थी, जहां बारादरी होटल को महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख स्वतः सड़क पर उतरकर सील करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि भिवंडी शहर में रात में चलाए जाने वाले ढाबे पर प्रशासन कब अपनी नज़र रखेगी, ये एक सवाल बना हुआ है। रात में जो ढाबा चलाया जाता है उसे कब बंद किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सच की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।